आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार ने लिया सनी देओल और रणबीर कपूर से सीधा पंगा। तो आइए जानते हैं कैसे सीधा पंगा अक्षय कुमार ने ले लिया। अक्षय कुमार ने मोस्ट रेटेड फिल्म ओ माय गॉड 2 का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब वो इनका इंतजार खत्म हो गया है। अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म ओ माय गॉड 2 का पहला ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसमें वो भगवान के शिव के अवतार में नजर आ रहे हैं। माथे पर भस्म और तिलक लगाए, हाथ में डबरूली है और जटावान ने अक्षय कुमार का ये रूप देखते ही बन रहा है। हालांकि इस पोस्टर में एक और चीज है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो है फिल्म की तारीख 11 अगस्त 2023। इस दिन दो बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। एक बार फिर से अक्षय कुमार अपनी पुरानी पंगा लेने की आदत को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। बीते साल जहां बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन रिलीज करके राल सिंह चड्ढा के साथ बॉक्स ऑफिस में पंगा लिया था, वहीं साल 2023 में वह एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्मों के साथ पंगा ले रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म सनी देओल की गद्दर 2 और रणबीर कपूर की एनिमल के साथ 11 अगस्त 2023 को बड़े पर्दे पर टकराएगी। आपको बता दें कि साल 2022 और 2023 का मिस ईयर अक्षय कुमार के फेवर में नहीं रहा, ऐसे में वो ओ माई गॉड 2 का हिट होने का अक्षय कुमार के बेहद जरूरी है। अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 का जॉनर सनी देओल की गद्दर 2 और रणबीर कपूर की एनिमल दोनों से ही बिल्कुल अलग है। ये फिल्म एक सोशल ड्रामा है, हालांकि सनी देओल और रणबीर कपूर की फिल्म कोई तरह से एक्शन भरी फिल्म है। आपको बता दें सनी देओल साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गद्दर बहुत बड़ी हिट हुई थी, ऐसे में 22 साल बाद गद्दर 2 तारा सिंह और सकीना की जोड़ी देखने को लिए ऑडियंस बेकरार है। वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर का साल 2022 और 2023 दोनों अच्छा रहा है। उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र और तू झूठी मैं मकार बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है, ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त को इन दोनों फिल्म का पड़ा ओ माय गॉड 2 के मुकाबले ज़्यादा भारी है। इन तीनों बड़ी फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बादशाह बनती है, ये तो वक्त की बात है। आपको क्या लगती है इस मूवी में कौन सी मूवी सुपरहिट होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।